प्रयागराज के पुराने शहर में स्थित मां कल्याणी देवी का मंदिर भक्तों के कल्याण के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वह खाली हाथ नहीं जाते, उनके सभी मान्यताएं मां कल्याणी देवी पूरी करती हैं। कहा जाता है कि कल्याणी देवी सती के ही एक रूप है, यहाँ पे सती का अंग गिरा। कल्याणी देवी मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, लोग यहाँ पूजा उपासना क्यों करते हैं ज्यादा? माँ कल्याणी जी का मंदिर अत्यंत प्राचीन पुराण वर्णित मंदिर है। प्रयाग में सती के हाथों की अंगुलियाँ गिरी जिससे देवी ललिता का प्रादुर्भाव हुआ। माँ कल्याणी ही ललिता है, पद्म पुराण में स्पष्ट आया है, तस्योत्तरे अस्ति ललिता कल्याणी की शगीयते दर्शनस्तस्य पूजा भी सर्वेषां सर्वकामजा। अर्थात प्रयाग में माँ ललिता कल्याणी के नाम से विख्यात हैं, जिनके दर्शन पूजन अष्टवन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पुराण, तंत्रशूला, मणि, ब्रह्म वैवर्त पुराण में माँ कल्याणी का उल्लेख आया हुआ है। ये अत्यंत प्राचीन शक्तिपीठ है, इनकी मान्यता हजारों वर्षों से है। किसी भी हिंदू परिवार में प्रयाग में विवाह होता है, बच्चा पैदा होता है, तो सब माँ कल्याणी और लोक शंकरी के पूजन करते हैं। नवरात्रि दोनों में और होली के 8 दिन बाद चैत्र कृष्णाष्टमी को यहाँ वार्षिक बहुत बड़ा मेला होता है, जो विगत 200 वर्षों से अनवरत होता आ रहा है। दोनों नवरात्रि में लाखों भक्त माँ का दर्शन पूजन करने आते हैं। सत्यंडी महायज्ञ, श्रीराम कथा, देवी भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, विशाल भंडारा एवं प्रतिदिन माँ के 9 रूपों में अलग अलग श्रृंगार का दर्शन होता है।